है कि 2.5 लाख रुपीज केजी भी जाता है, लेकिन इतना प्राइस गैप नहीं है। लेकिन अगर आप इसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मैंगोज की वैरायटी में एक बहुत बड़ा गैप है, तो बहुत अच्छा प्राइस किसानों को इसका मिल सकता है। तो हम इसको कैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में भी हम और जानेंगे। बनाना भी कंटेनर्स में लोड होता है और बनाना के लीफ भी हम यूएई में बेचते हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा फ्रूट्स का पोटेंशियल है और हम बहुत बड़े लेवल पर इस इन चीजों का भी एक्सपोर्ट कर बोलो सकते हैं। नेक्स्ट, रियल अपना देना है 665 हुआ है। स्पाइसेस एंड अदर्स प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो इसमें आता है हनी, सौफ, क्यूमिन, कोरिएंडर, टर्मेरिक। तो मसालों के लिए तो भारत पहले से ही फेमस है और हमारे पास जितने मसाले हैं दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। अगर मैं सिर्फ हनी की बात करूं तो हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ही अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हैं। एक सेशन पूरा हनी पे ही लिया जा सकता है। हनी में जैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें हनी वैक्स आता है, उसके बाद बी पोलन आता है, वी वीनम आता है, और हाई एटीट्यूड का हनी जिसका प्राइस 6,000 रुपीज पर केजी भी है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम इसको कैसे और वैल्यू एड कर सकते हैं, क्योंकि इसका वैलिडेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और जो रॉकेट साइंस था उसको एमसीएल पहले ही अचीव कर चुका है। आई रिपीट, जो रॉकेट साइंस था उसको एमसीएल पहले ही अचीव कर चुका है, क्योंकि वर्ल्ड की नंबर वन टेक्नोलॉजी लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वैल्यूएशन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी नॉर्मली हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो बी पोलन की अगर मैं बात करूं और बी वीनम की, तो बी वीनम की प्राइस अगर आप देखेंगे तो 60 लाख टू 80 लाख रुपीज पर केजी बी वीनम भी हमारे विदेशों में इसकी डिमांड है। 80 लाख रुपीज तक भी बिका है बी वीनम। तो कैसे हम वैल्यूएशन करके एक अच्छा हनी बना सकते हैं, इसके बारे में हमको श्याम सर ने भी बताया था कि कैसे हनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं और कैसे हम उसमें आगे हमारे हर्बल प्रोडक्ट में भी इसका यूज करेंगे और कैसे हम उसको और वैल्यूएट करके इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाएंगे। आगे मैं बात करूँ मसालों की, तो जैसे कोरिएंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी, जो कि राजस्थान में है, जो एमपी के बॉर्डर से लगी हुई है। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो कोरिएंडर की। तो एक बहुत बड़ा हब हमारे पास है टर्मरिक का। साउथ इंडिया में आपको पता है कि बहुत ज्यादा टर्मरिक और बहुत अच्छी क्वालिटी का टर्मरिक होता है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा हब है और वहां से हम बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मसाले हैं जिनको एक्सपोर्ट करके हम अपने किसानों को की मदद कर सकते हैं और एक अच्छा प्राइस हम उनको दे सकते हैं। नेक्स्ट, एडिबल ऑयल आपको पता ही है, श्याम सर ने भी इस पे बोला है, 70,000 टू 80,000 करोड़ का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, और उसमें हम पॉम ऑयल मिक्स करके हमारे लोगों को जहरी खिला रहे हैं। अगर आप बात करें ग्राउंडनट ऑयल की, सनफ्लावर ऑयल की, सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोया ऑयल, सोया ऑयल सीड है ही नहीं, क्योंकि 1 क्विंटल सोया ऑयल अगर आप प्रोसेस करते हैं 1 क्विंटल सोया को, तो उसमें 4 टू 5 लीटर ही ऑयल हमको मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं हम अपने देशवासियों को। तो हम इसमें वैल्यू एडिशन करके और हमारी कच्ची घानी का जो हम ऑयल बोलते हैं उसको निकाल करके हमारे देशवासियों का के स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रख सकते हैं, अपने किसानों का कैसे ध्यान रख सकते हैं और अपने ही देश को कैसे ऑयल में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। श्याम सर ने भी इस पे बहुत बार बोला था कि कैसे ये एक हर्बल मेडिसिन है, एक ऑयल नहीं है, और इससे हम कैसे आगे काम करेंगे इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट, मैं सिर्फ कैटल फीड की ही बात करूंगा, ह्यूमन कंजप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मैंने रेट लिए हैं ये कोई गूगल से उठा के मैंने रेट नहीं लिए हैं, ये यूएई के बायर के रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि प्राइस वेरिएशन हो, क्योंकि ये 6 महीने पहले के हैं, तो अभी प्राइजेस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब मैंने इसको कंपेयर किया था तो आप देख सकते हैं ये है भारत के 100 kg प्राइस और यूएई के सीआईएफ के 100 kg प्राइस। सीआईएफ क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखिए सोरगम, इसमें आप देखिए प्राइस यहाँ पर 2000 था और 3,740 रुपीज था यूएई का सीआईएफ प्राइस। रेड सोरगम जो आप प्राइस देख सकते हैं कितना डबल का डिफरेंस आ रहा है। मेज में अगर आप देखेंगे 1100 एंड 3000 का डिफरेंस है। ये मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ह्यूमन कंजप्शन नहीं है, ये सिर्फ एनिमल के लिए, कैटल फीड के लिए बता रहा हूँ। इसमें इतना वेरिएशन है तो आप सोचिए कि हम जब प्रीमियम क्वालिटी दे सकते हैं तो उसमें हम कितने अच्छा मार्जिन ले सकते हैं और किसानों की कितनी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ग्रीन मूंग का भी प्राइस थोड़ा ऊपर आ गया है, लेकिन जब था यहाँ पे करंट में तो वो 6100 रुपीज, एंड यहाँ आप देखेंगे 9100 रुपीज, तो एक इतना बड़ा गैप चल रहा था। नेक्स्ट,
पॉपकॉर्न, जैसे पॉपकॉर्न के आगे यूएसए लिखा है, तो अभी जब वहां पे सप्लाई कर रहे थे तो इंडिया का पॉपकॉर्न नहीं जा रहा था, वहां पे यूएसए का पॉपकॉर्न आ रहा था। तो उसमें आप देखेंगे प्राइस वेरिएशन कितना है। ग्रीन पीस की अगर मैं बात करूँ 2700 यहाँ पे था, 4400 तब वहां पे था। सनफ्लावर सीड्स फीड फीड बीट जो था, राइस हस्क, अब राइस हस्क में आप देखिए कि राइस का हस्क जो भूसा भी बेच रहे थे, लेकिन उसके आगे लिखा है ब्रैकेट में पाकिस्तान, तो ये लोग राइस हस्क पाकिस्तान से बुला रहे थे, मतलब इंडिया राइस हस्क भी सप्लाई नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और इसमें आप देखेंगे तुआ रस्क भी, नेक्स्ट बीट ब्रांड तुआ रस्क एंड पीनट हस्क, ये सब भूसा है। तो ये बीट ब्रांड की अगर मैं बात करूं और तुआ रस्क की, तो ये भी पाकिस्तान उनको सप्लाई कर रहा था। तुआ रस्क ऐसा है जिसको किसान या तो खराब करे जला देते हैं या उसको बेस्ट में कहीं डाल देते हैं, तो वो उसकी प्राइस आप देखिए 7700 रुपीज उसका प्राइस था। एक कितना बड़ा गैप था, आप इसको 100 रुपीज में भी ले सकते हैं, फ्री में भी ले सकते हैं, 1000 रुपीज भी किसान को दे सकते हैं। तो एक इतना बड़ा गैप है, तो इसको फिल करने के लिए हम कैसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे और आगे काम करेंगे। आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैं कैटल फीड की ही बात कर रहा हूँ, और ब्लैक ग्राम का आप देख सकते हैं और दूसरी चीजें देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कितना बड़ा है। श्याम सर हमेशा ये बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और विदेश व्यापार करके हम कैसे समृद्ध बनेंगे और वापस इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिसर्च और एनालिसिस के पीछे था, बहुत सोच समझ के और बहुत एनालिसिस करके सर बोलते हैं, और वो एकदम सही बोलते हैं कि आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज क्या है। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं कि हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे। तो ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन है जिसमें बिजनेस फॉर्मेशन होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कंपलसरी होता है। जीएसटी कंपलसरी एक्सपोर्ट के लिए नहीं होता है, लेकिन जब हम कुछ ही चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हम इनवॉइस बनाने के लिए जीएसटी ऐड करने के लिए जीएसटी ले सकते हैं। आरसीएमसी पीईओ और भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, लेकिन आज हमें सिर्फ ये जानना है कि हम इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट एक्सेम्प्टम्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने बनाई हैं, जिसमें कस्टम हाउस WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ICC इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लैंड कस्टम स्टेशन, इन सभी का एक पार्ट होता है जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इम्पोर्टर की और एक्सपोर्टर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह से सारी दुनिया में ड्यूटी फ्री और टर्म्स और अपनी कंडीशंस पे कैसे हमको एक्सपोर्ट करना है, अलग अलग देशों से हम कैसे जुड़ेंगे, क्या टर्म्स कंडीशन रहेंगी, बायर की क्या कंडीशन रहेगी, सेलर की क्या कंडीशन रहेंगी, इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो कि हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और इन्हीं के कारण आज ये बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है और चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ICC का क्या काम है, इनको टर्म्स जिसे हम आगे देखेंगे और सारी चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंटेनर्स, जैसे आप बोलते हैं कि हम स्टफिंग कैसे करेंगे, मटेरियल कैसे करेंगे, तो उसमें अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे आप ड्राई कंटेनर देख रहे हैं, इसमें 20 फीट और 40 फीट कंटेनर होता है, इसको इसमें हम मटेरियल स्टफ करते हैं, पोर्ट से शिप पे लोड होता है। इसमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर जिसमें कि पेरिसेबल चीजें होती हैं, जैसे आप अगर चिली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में हम उनको बेचते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट सेफली हम अपने बायर को भेज सकें। फ्लैट कंटेनर में मशीनरीज आती हैं, उसके लिए हम फ्लैट कंटेनर यूज करते हैं। टैंक कंटेनर्स जिसमें केमिकल्स होते हैं, और हमारा ये ओपन टॉप कंटेनर जिसमें बड़े बड़े बैरल्स अगर हम रखते हैं तो ये बैरल इसमें स्टफ होके और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, यूनिट लोड डिवाइस, जब कोई चीज हम दूर देश में भेजना होती है तो हम उसके लिए बाय एयर कार्गो यूज करते हैं, जिसको हमें यूनिट लोड डिवाइस मिलती है, जिसमें हम 1200 केजी से 3600 केजी तक मटेरियल भेज सकते हैं। जैसे कि अगर मैंगो हमें कनाडा भेजना है तो बाय एयर ही भेजना पड़ेगा, अगर हम बाय शिप भेजेंगे तो वहां पे मैंगो पल्प मिल जाएगा, मीन्स हमारा मटेरियल खराब हो जाएगा, इसलिए हम यूनिट लोड डिवाइस मीन्स एयर कार्गो का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इनको टर्म्स, तो ICC जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इनको टर्म्स बनाई हुई है। ये इनको टर्म्स बताती हैं कि सेलर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इंपोर्टर की और एक्सपोर्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसमें बताया गया है कि एक्स शोरूम, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स शोरूम वो प्राइस होता है जब बायर आपको बोलता है कि मैं आपके शोरूम से ही मटेरियल लेने के लिए रेडी हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज
आपके शोरूम से जब आप लोड कर देंगे उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी रहेंगी, कैसे मेरे को वहाँ ट्रांसपोर्ट कराना है, कैसे मटेरियल स्टॉक कराना है, कैसे बिल ऑफ राइडिंग कराना है, और मेरे वहां पर अपने वेयर हाउस तक मुझे मटेरियल बुलाना है। एफ सी अगर देखें तो फ्री कैरियर में आप देखेंगे कि कहीं भी जहां पे कन्वीनियंट होता है एक्सपोर्टर को, आप मुझे यहां तक मटेरियल दे दीजिए, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हम उन्हें वहां पर सप्लाई करके दे देते हैं और वहां से एक्सपोर्टर अपना मटेरियल ले आता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर लेता है। एफ एस देखेंगे फ्री अलॉन्ग साइड शिपमेंट, जैसे आप देख रहे हैं अलॉन्ग साइड शिपमेंट मतलब बाजू में, मतलब जब हम किसी पोर्ट पे जैसे मुंद्रा पोर्ट हो गया, जेएनपीटी पोर्ट हो गया, तो पोर्ट पर हम अपने कंटेनर को स्टप करते हैं तो हम उसको फ्री अलॉन्ग साइड शिपमेंट कहते हैं। वहां से स्टप करके हम बायर को हैंडओवर कर देते हैं कि आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मैंने आपको मटेरियल दे दिया है, आप मुझे पेमेंट दे दीजिए और आपका मटेरियल ले लीजिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की होती है। एफओबी में जब हम ट्रेड करते हैं तो 90% ट्रेड एफओबी में होता है, जिसको हम फ्रेट ऑन बोर्ड बोलते हैं। फ्रेट ऑन बोर्ड क्या होता है? फ्रेट ऑन बोर्ड में हम मटेरियल स्टप करके बोर्ड में मीन्स शिप के ऊपर हम लोड करा देते हैं, शिपिंग लाइन हमारे को एक बिल ऑफ लेडिंग देती है, एक जो हमारा हम मटेरियल लोड करते हैं उसके अगेंस्ट में हमारे को बिल मिलता है, वो उसको हम बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, उसको हम आगे और जानेंगे, तो इसको फ्रेट ऑन बोर्ड कहा जाता है, और फिर हम इसको बायर का हैंड ओवर कर देते हैं कि आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी, अगर मटेरियल कोई खराब होता है रास्ते में तो भी बायर को हमको पेमेंट करना होगा और उसको क्लेम उसी के कंट्री से उसकी इंश्योरेंस कंपनी से लेना होगा। ये सारा ट्रेड 90% ट्रेड एफओबी में ही होता है। सीएफआर की बात करूं तो कॉस्ट एंड फ्रेट, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कॉस्ट एंड फ्रेट ऐड हो गया, बायर बोलता है कि आप फ्रेट भी ऐड कर लीजिए, इसको हम इनवॉइस में ऐड कर देते हैं, और लेकिन जो खर्चा रहता है वो बायर का ही होता है, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की होती है, सिर्फ हम वहां पे भेज के देते हैं, अगर रास्ते में मटेरियल खराब होता है, कुछ भी होता है मटेरियल का, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की होती है और बायर को ही क्लेम लेना होता है, हमको हमारा 100% पेमेंट मिलता है। सीआईएफ की बात करूं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो इसमें यह होता है कि इसमें इंश्योरेंस भी ऐड हो गया, बायर ये बोलता है कि मैं इंश्योरेंस के लिए डॉक्यूमेंट के लिए परेशान होगा तो आप मेरे अगेंस्ट इंश्योरेंस भी करा लीजिए, तो हम उसको बायर के लिए इंश्योरेंस करा के देते हैं मटेरियल का, लेकिन अगेन यही टर्म्स होती है कि इंश्योरेंस का क्लेम बायर को ही लेना होता है अगर किसी भी कंडीशन में मटेरियल खराब होता है तो। सीपीटी कैरेज पे टू ये टर्म्स है कि हम बायर के वेयर हाउसेस तक मटेरियल पहुंचा के देते हैं, ये टर्म्स बहुत कम यूज होते हैं बिजनेसेस में। सीपीटी पे, सीआईपी पे और डीडीपी पे बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि अगर मैं डीडीपी की बात करूं डिलीवरी ड्यूटी पैड की, तो इसमें हम वेयर हाउस तक, बायर के वेयर हाउस तक मटेरियल देते हैं जिसमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है, तो इसमें 2% 3% ही ट्रेड होता है। तो ये हमारी इनको टर्म्स हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाई हुई है। अगर मैं और डीप में बात करूंगा तो एक सेशन पूरा इनको टर्म्स पे हो सकता है, लेकिन अभी समय कम है इसलिए हम अभी इनको टर्म्स की इतनी ही बातें करेंगे, सिर्फ समझने के लिए कि क्या क्या टर्म्स होती हैं जिनको इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया है। नेक्स्ट, पेमेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि बिजनेस होता ही है कि पेमेंट प्रॉपर होना चाहिए, तो इसमें पेमेंट टर्म्स दी हुई है कि क्या क्या पेमेंट टर्म्स हम यूज करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो सबसे पहले होती है एडवांस टर्म, जिसमें हमको बायर 100% एडवांस देता है, तो आपको एडवांस से पता ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, बहुत सारे लोगों को 100% एडवांस मिलने के बाद ही बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जांपल हैं जिसमें बायर ने बोल दिया कि मैं आपको 100% एडवांस देता हूं, कभी कभी बायर ने 100% एडवांस दे भी दिया लेकिन फिर भी कंपनी को लॉस हुआ, वो कैसे वो हम आगे जानेंगे इस सेशन में, आई थिंक मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। ओपन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ओपन अकाउंट वो होता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट पहले ही हमारे बायर को दे देते हैं, बायर हमारा मटेरियल अपने शिप से ले लेता है, जिसमें होता है बिल ऑफ लेडिंग। मैंने आपको बताया था कि जब हम कंटेनर लोड करते हैं तो बिल ऑफ लेडिंग मिलता है, और बिल ऑफ लेडिंग जिसके पास होता है वो किंग होता है, मतलब वो अपना मटेरियल कहीं से भी ले सकता है, शिपिंग लाइन से छुड़ा सकता है। तो ओपन अकाउंट में ये होता है कि हम बायर को बोल देते हैं कि आप बिल ऑफ लेडिंग ले लीजिए और पेमेंट जब आपको लगे तब दे दीजिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमको बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं कि सर हमको ओपन अकाउंट में, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको ढेरों कंसाइनमेंट आएंगे और एक रुपया भी नहीं मिलेगा। यस, आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहले ही डॉक्यूमेंट उनको दे देंगे और वो सामने आपका मटेरियल ले लेंगे, तो कौन आपको पेमेंट देने वाला है? हाँ, हर कोई एमसीएल नहीं होता, अगर एमसीएल हो तो अलग बात है, वो दे ही देगा, बट ऐसा होता नहीं इंटरनेशनल मार्केट में। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, इसमें बैंक टर्म्स आती है जिसमें हम ये करते हैं कि इसको सेफ मोड पे ले जाने के लिए इस बिजनेस को डीपी में काम होता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट बोलते हैं। इसमें
हम डॉक्यूमेंट बैंक टू बैंक भेजते हैं, मैं अपने बैंक को डॉक्यूमेंट दूंगा, वहां पे बैंक अपने बायर को डॉक्यूमेंट देती है, उसके अगेंस्ट पेमेंट देती है, बोलती है आप पहले इंपोर्टर को पेमेंट कर दीजिए और हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, आप अपनी शिपिंग लाइन से अपने माल ले सकते हैं। इसको हम डीपी बोलते हैं। इसकी भी बहुत डिटेलिंग है लेकिन शॉर्ट में आप समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में यूजांस पीरियड होता है कुछ दिन का। बैंक से बायर बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, या मैं अपने रिटेलर्स को मटेरियल दे के और आपको 30 डेज 60 डेज के अंदर पेमेंट कर दूंगा, तो इसको बैंक एक्सेप्ट करता है और फिर ये ट्रेड होता है। बड़ी कंपनीज अभी बिल ऑफ एक्सेप्टेंस में भी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस में भी काम कर रही है और इसमें भी काम अच्छा हो रहा है। सबसे ज्यादा टर्म्स यूज होती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के भी अलग अलग टाइप है, जिसमें बैंक गारंटी लेता है बायर की साइड से कि बायर पैसा दे या ना दे हम आपको पैसा देंगे। तो इसमें हमको बैंक के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको रेडी करना है ताकि बैंक रेडी हो जाए हमारा पेमेंट देने के लिए। तो बैंक के अकॉर्डिंग हमको डॉक्यूमेंट देने होते हैं और बैंक जब सेटिस्फाई हो जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो वो बोलता है कि बायर आपको पेमेंट नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में 90% बिजनेस होता है, दैट इज सेफ। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, टर्म्स कंडीशन है, इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे केसेस हैं, उनको हम बाद में जानेंगे। 100% अगेंस्ट स्कैन कॉपी ऑफ बीएल। बीएल की स्कैन कॉपी बायर बोलता है कि आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट भेज दूंगा 100%। लेकिन ये 100% एडवांस नहीं हुआ, क्योंकि हम जब बीएल करेंगे, हमारा माल स्टॉप करके जहाज पे लोड करेंगे तभी हमारे को पेमेंट आएगा। तो ये 100% एडवांस तो नहीं हुआ, इसमें भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं। लेकिन व्यापार हुआ भी है तो ये भी उतना 100%, अगर मैं सेफ की बात बोलूं तो 100% सेफ ये टर्म्स भी नहीं है। एस्क्रो, एस्क्रो जैसे कि ऑनलाइन जो कंपनीज होती हैं एक ब्रिज का काम करती हैं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में, जिसमें अलीबाबा और पेपल है। इसमें ये बोला जाता है कि आप यहाँ से मटेरियल सप्लाई कीजिए और वहां पे जिसके आपका मटेरियल जाएगा हम आपको पेमेंट कराएंगे बायर के साइड से। अगर आप मटेरियल सही से नहीं भेज रहे हैं तो बायर अपना री एक्सपोर्ट करता है, उसको डॉक्यूमेंट इन कंपनीज को देता है और कंपनी आपका पैसा वापस कर देती है। तो ये कंपनी है जिसे अलीबाबा चाइना की कंपनियों को पता है, पेपल है। तो ये कंपनीज जो है एक ब्रिज का काम करती हैं और अपना कमीशन लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आती है। तो ये टर्म्स कंडीशन अगर सेफ नहीं है तो सेफ क्या है? तो सेफ है योर ओन फॉरेन सेटअप, यस, जिसकी हम अभी पहले बात कर रहे थे। अगर आपका फॉरेन सेटअप है, जैसे एमसीएल हमसे बोलता है कि हम ऑलरेडी सीएनजी में और बायोकोल में इंटरनेशनल मार्केट करने जा रहे हैं तो 100% हम अपना सेटअप करेंगे। उस सेटअप में ये होता है एक्सपोर्ट भी हम करेंगे, इंपोर्ट भी हम करेंगे, यहाँ इंडिया में भी हम ही रहेंगे और हमारा सेटअप दुबई में रहेगा, वहां पे भी एमसीएल ही रहेगा। तो वहां हम इजीली यहां से मटेरियल बेच के वहां पे ले सकते हैं और इजीली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे को एक रुपए का भी टेंशन नहीं है, ना हमारे पेमेंट का टेंशन रहेगा और ना ही किसी चीज का। इसको बोलते हैं हम फॉरेन सेटअप, जिसमें एक्सपोर्ट भी हम ही करते हैं और इंपोर्टर भी वहां पे हम ही रहते हैं और हम ही बायर को वहां पे सेल आउट करते हैं और सीधा पेमेंट ले लेते हैं। तो सबसे सेफेस्ट टर्म अगर मैं बोलूं जिसको ओपन अकाउंट में हम कर सकते हैं वो एमसीएल के साथ हम कर सकते हैं काम, जिसमें हमारा फॉरेन सेटअप होगा और हम इजीली वहां पे काम कर पाएंगे। फॉरेन सेटअप कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इन्वेस्टमेंट। यूएई में अगर मैं बात करूं तो 2-3 लाख में फॉरेन सेटअप हो सकता है। यूएसए की अगर बात करें तो 5-10 लाख रुपीज में एक अच्छा फॉरेन सेटअप हो सकता है। तो ये फॉरेन सेटअप जब बनेंगे तो एक बहुत बड़ा बेस एमसीएल बनाएगा इसको और एक बहुत बड़े बेस पे हम इसमें एमसीएल के साथ काम कर सकते हैं और हम ही एक्सपोर्टर हो सकते हैं, हम ही इंपोर्टर हो सकते हैं और पूरे वर्ल्ड नेशन। अभी अगर मैं बात करूं कुछ कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना फ्रेंचाइजी लेकर बैठी हुई है और बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रही है। तो ये फार्मर का जो प्रोडक्ट है इसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई कर सकते हैं अपनी सप्लाई चेन के माध्यम से। तो उसके लिए होता है फॉरेन सेटअप, जो कि आई थिंक जरूर होने जा रहा है और होने जाएगा, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर सकते हैं एमसीएल के साथ। नेक्स्ट, एमसीएल बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो हम ऑलरेडी एमकोल में और एमसीएनजी में काम करने जा ही रहे हैं। श्याम सर ने एम कैफे का बताया है और एमएसपी एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट आप सभी ने सुना हुआ है, सभी ने लिस्ट भेजी है, मैंने भी अपनी लिस्ट भेज दी है एमसीएल को अपने एमएसपी प्रोडक्ट की कि क्या क्या एमएसपी प्रोडक्ट है यहाँ पर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। कुछ लिस्ट मुझे भेजना और बाकी है।
तो एमकोल में सीएनजी में हम वर्ल्ड बेस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी का सीएनजी हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, एमकोल प्रीमियम क्वालिटी का। हमने जहां भी एमसीएल ने बात की है प्रीमियम क्वालिटी की बात की है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट भी हम प्रीमियम क्वालिटी का ही देने जा रहे हैं इस वर्ल्ड को। तो ये सारे बिजनेसेस हम कैसे एमसीएल के साथ जुड़कर आगे काम करेंगे और हम डोमेस्टिक मार्केट में हमारे एमएसपी प्रोडक्ट को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे उसको एक्सपांड करेंगे, ये सारी चीजें एमसीएल के साथ कैसे होंगी ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे और अभी देख ही रहे हैं और हम ये कर ही रहे हैं क्योंकि हमने हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स एमसीएल को दी हैं और कुछ ही दिनों में हम अपने प्रोडक्ट भी एमसीएल को सप्लाई करेंगे। तो एमसीएल कैसे एमएसपी पे काम करेगा और कैसे हम आगे इस बिजनेस को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, 5M सेशंस में बहुत सारे सेशन हुए हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे चीजें हमको देखने को मिली हैं, बहुत बारीक कीन ऑब्जर्वेशन हुआ है। जैसे कि अगर पिछले सेशन की मैं बात करूं तो कैसे एक बिजनेस के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है, क्या क्या हमको करना होता है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हमको मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है, कैसे सर्विस का ध्यान रखना होता है, कैसे प्रोडक्शन का ध्यान रखना होता है। अगर इस बिजनेस को सालों साल हमारे को चलाना है तो सिर्फ हमें सिर्फ मशीनरी नहीं लगानी है, हमें पूरा एक मैकेनिज्म एक मैनेजमेंट तैयार करना है, जिसके बारे में हमने लास्ट सेशन में सुना था कि हम कैसे काम करेंगे एमसीएल के लिए, हमें कैसे खुद को शार्प करना है, अपनी फील्ड का खिलाड़ी बनना है, छोटे छोटे संखों को इकट्ठा करना है। तो ये हमको हमें 5M सेशन ने बताया है बहुत अच्छे से और आगे भी बता रहा है। अगर मैं नेपियर ग्रास की बात करूं तो इसमें कैटल फील्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और हमारे पेपर मिल्स में यूज होता है। अगर सर का आपने कार्तिक सर का सुना होगा तो उन्होंने बहुत सारे नेपियर से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में भी हमको बताया था, कैसे नेपियर का जूस 1000 रुपीज पर लीटर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया था। तो जब श्याम सर कार्तिक सर कुछ चीजें बताते हैं तो वो पूरी एनालिसिस के साथ बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आए और कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च, एक बहुत बड़ी रियलिटी उस चीज के पीछे होती है कि क्या उस चीज में अपॉर्चुनिटीज हैं और हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। मैं वापस यही बोलूंगा कि जो रॉकेट साइंस था वो एमसीएल के पास है, उसने अचीव कर लिया है। ये बहुत वैल्यूएशन बहुत छोटी चीजें हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। जो श्याम सर ने सपना देखा है, विजन बताया है, जो कार्तिक सर हमें हमेशा बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें बन सकती हैं, तो डेफिनेटली ये होगा और हम इसको करेंगे। नेक्स्ट, हैंडीक्राफ्ट के बारे में मैम ने हमको बताया था कि कैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। इसमें एक स्पेशल चीज इस फोटो में ये है कि लेफ्ट हैंड पे आप जो देख रहे हैं ये पूरे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट आप देख रहे हैं और जो राइट हैंड पे आप देख रहे हैं वो एमएसपी प्रोडक्ट हमारे हरदा तहसील के हैं। श्री गणेशा जो है, ये जो काऊ है, ये हमारा वृंदावन है, बुद्धा है, ये हमारे हरदा का एमएसपी प्रोडक्ट है जो मैंने जिस लिस्ट अभी एमसीएल को भेज दी है। तो एक बड़ा अच्छा लगता है इसी चीजों को कि हम एमसीएल के साथ जुड़कर ऐसा काम करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि दूसरी कंपनीज हजारों करोड़ का हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही है, तो एमसीएल इसको कैसे कर सकता है और हम कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, आगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज और हमको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं इतना बड़ा ये बिजनेस है और आगे ये कितना ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट, एमसीएल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जैसे कि मैं एमएसपी की बता रहा हूँ, हम सभी सारे अलग अलग स्टेट से एमसीएल को एमएसपी प्रोडक्ट देंगे। जो डोमेस्टिक मार्केट में हमें एमपीओस को मिलेंगे, सभी लोगों को मिलेंगे, हमारे फार्मर्स को मिलेंगे और वर्ल्ड लेवल पर इसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कैसे एक्सपांड करके हम वर्ल्ड लेवल पर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर ने जैसे हम श्याम सर ने लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे कस्टमर बेस्ट सर्विसेज देकर हम कस्टमर को अपना मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं और अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ब्रांड से पहले चीजें हैं कि हम अपने कस्टमर को कैसे अच्छी से अच्छी बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देकर और उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं और अपने प्रीमियम प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं छोटे से प्रोडक्ट की बात करूं तो वो काउडन प्रोडक्ट आता है जिसमें स्टैच्यू है, आप देख रहे हैं, वुड है, पेपर है, दीपक है, स्टिक्स है, पेंट है। इसमें भी मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर मैं गोजरन अर्क की बात करूं तो यूएसए ने उसको पेटेंट करा रखा है, तो ऐसे बहुत सारे काउ प्रोडक्ट भी हैं। ये पेंट जो आप देख रहे हैं ये है खादी इंडिया का, जिसको नितिन गडकरी सर ने भी बोला था कि काउडन से आप पेंट करिए, इको फ्रेंडली पेंट बनाइए। पेपर आप देख रहे हैं काउडन से कैसे पेपर बन रहे हैं, दीपक बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे वर्ल्ड लेवल पर लेके जा सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर लेके जा सकते हैं और इस दीपावली पे, इस गणेश चतुर्थी पे हम कैसे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं,
पहले हम एमपीओस कैसे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप दीपक देखते हैं तो ये दीपक एक प्रतीक है कि आइए हम भी एक दीपक जलाते हैं अपनी धरती माता के नाम, आओ हम भी एक दीपक जलाते हैं अपने शहीदों के नाम, और आओ हम भी एक दीपक जलाएंगे अपने एमसीएल के नाम पे। और एमसीएल क्या है? एमसीएल हमारी माँ है, क्योंकि जब एक छोटा सा बच्चा भागता है तो माँ उसको पकड़ते है, मारती है और उसको अपनी गोदी में बिठा के फीड कराती है। तो बेसिक एमसीएल 5M सेशन के माध्यम से हमें वही करा रहा है कि अगर आप नहीं सीख रहे हो तो आइए 5M सेशन में खुद को शार्प कीजिए, छोटे छोटे सैनिकों को इकट्ठा कीजिए और अपने फील्ड का खिलाड़ी बनिए, और कैसे एमसीएल के साथ जुड़कर आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं आज तक हमसे एमसीएल ने बोला है कि एमसीएल हमारे लिए रेडी है। आज मैं सभी एमपीओ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अपने अपने माइक ओपन करके आज ये बोले कि यस एमसीएल वी आर रेडी। तो प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज कहिए कि यस एमसीएल दुनिया आगे बढ़ेगा सर, जब एमसी आगे बढ़ेगा। यस 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 यस, सो वी आर रेडी। एंड आर वी रेडी के लिए एक बहुत बड़ा ये निशाना है एक्चुअली हमारे यंग इंडिया की। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको तरक्की करनी है, तो यू हैव टू कॉपी योर लीडर्स। एंड वर्ड टू वर्ड कॉपी करने वालों में से एक है हमारे मोहित गौर साहब, जिन्होंने आज एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन हमारे सामने यहाँ पर दिया, जिससे ये पता चलता है कि जो बातें हमें श्याम सर हमेशा कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया क्यों थे और किस प्रकार से आने वाले दिनों में हम सोने की चिड़िया फिर से एक बार बन सकते हैं। जो खेती हमारा सबसे मूलभूत हमारा बिजनेस है, उसी बिजनेस के आधार पर किस तरह से आगे और तरक्की कर सकते हैं, इसके बारे में